मेरे पास अभी तक 12 एमएलए आ चुके हैं, एक एक एमएलए को आके कहते हैं भाई 20-20 करोड़ रुपए ले ले और टूट के आ जा, दो चार को और लाएगा तो तेरे को 25 करोड़ देंगे, और नहीं तो जैसे मनीष सिसोदिया का हाल करा तेरे ऊपर भी रेड करेंगे, तेरे को गिरफ्तार करेंगे, सीबीआई और ईडी छोड़ देंगे तेरे खिलाफ। भाई साहब सलाम करता हूं आप सबको। कोई नहीं टूटा, एक भी नहीं तोड़ पाई अभी तक, सारे आरोप झूठे हैं इनके। तो जो पता चला उनको एमएलए को, इन्होंने कहा भी 40 एमएलए हमें चाहिए, 40 एमएलए तोड़ने हैं, 20-20 करोड़ रुपए एक को देंगे, 800 करोड़ रुपए इन्होंने कहीं रख रखे हैं दिल्ली में। ऑपरेशन लोटस दिल्ली इस नाम से चल रहा, ऑपरेशन लोटस दिल्ली के नाम से इनका पूरा ये ऑपरेशन है, 800 करोड़ रुपए इन्होंने कहीं रख रखे हैं 20-20 करोड़ के हिसाब से। सब ये पूछ रहे हैं कि ये 800 करोड़ रुपए कहाँ हैं, किसके हैं। आज इस सदन में मैं बताऊंगा ये पैसे किसके हैं, आज मैं खुलासा करूंगा ये 800 करोड़ रुपए किसके हैं। लोग बता रहे हैं जी गुजरात के, पहले अभी अभी थोड़ी देर पहले खबर आई है एलजी साहब ने अब स्कूलों पे भी इंक्वायरी शुरू कर दी, तो कह रहे हैं भाई स्कूलों के बेसिकली तो रोकना है, स्कूल रुक जाएं, अस्पताल रुक जाएं, जितने अच्छे काम हो रहे हैं वो रुक जाएं, जनता को तकलीफ हो रही है। तो सब कह रहे हैं ये गुजरात की वजह से हो रहा है, गुजरात में जैसे जैसे हमारा ग्राफ बढ़ता जा रहा है पागलपन छाया हुआ गुजरात में, लोग दुखी हो चुके हैं इन लोगों से। जहां जाते हैं हर गांव, पूरे के पूरे गांव आम आदमी पार्टी के साथ जोड़ते जा रहे हैं गुजरात, किसी ने सोचा नहीं था। लोग तो कहते थे इनका गढ़ है, कोई गड़बड़ नहीं है, गढ़ टूट रहा है, इनका किला ठहरा है। तो लोग तो यही कह रहे हैं जी दिसंबर में सरकार बनने के बाद गुजरात में इनके 27 सालों की आप इंक्वायरी कराओगे, तब तक ये इंक्वायरी करा रहे हैं दिल्ली के अंदर। अगर आज हम गुजरात चुनाव अनाउंस कर देना भाई गुजरात चुनाव हम नहीं लड़ेंगे, ये सारी इंक्वायरी बंद हो जाएगी, सारी ईडी बंद, सीबीआई बंद, सब खत्म, उसी की वजह से हो रहा है। कई सरकार गिरा चुके अभी तक ये देश में, गोवा की सरकार गिराई, कर्नाटक की सरकार गिराई, महाराष्ट्र की सरकार गिराई, असम की सरकार गिराई, मध्य प्रदेश की सरकार गिराई, बिहार की सरकार गिराई, अरुणाचल प्रदेश की सरकार गिराई, मणिपुर की सरकार गिराई, मेघालय की सरकार गिराई। शहर में एक सीरियल किलर आया हुआ है जो एक के बाद एक मर्डर करता जा रहा है, एक के बाद एक मर्डर करता जा रहा है। जनता सरकार चुनती है, ये सरकार गिरा देते हैं, मतलब जनता को तो रौंद रखा है। महाराष्ट्र में जनता ने एक सरकार चुनी गिरा दी, गोवा में जनता ने एक सरकार चुनी गिरा दी, जनता के पीछे पड़े हैं, और सब जगह पैटर्न एक ही है। अभी जैसे महाराष्ट्र में भी हम लोगों ने देखा जितने टूट के इधर से उधर गए बताते हैं सबके पीछे सीबीआई ईडी पड़ी थी, सीबीआई और ईडी उनको बुला रही थी, जैसे वो इधर से उधर गए सीबीआई ईडी के केस बंद। सेम पैटर्न हर जगह यही चल रहा है, पहले ये सीबीआई और ईडी के केस लगाते हैं 4-5 के खिलाफ, तो दूसरे वाले सारे डर के जिन्होंने गलत काम कर रखे होते हैं वो सारे डर के फिर उनको मैसेज भेजते हैं भाई तुम्हारा भी यही हाल कर देंगे तुम, तो सारे इनके पास आ जाते हैं, फिर ये तोड़ लेते हैं, फिर ये सरकार गिरा देते हैं। सेम पैटर्न है, वो जो सीरियल किलर का पैटर्न होता है, आपने वेब सीरीज देखी होंगी आजकल काफी आ रही है, जो सीरियल किलर का पैटर्न होता है ना वैसे, उसी पैटर्न, सेम पैटर्न है, यही पैटर्न इन्होंने दिल्ली में किया कि सीबीआई ईडी भेजी, पहले सतेंद्र के खिलाफ भेजी, फिर मनीष के खिलाफ भेजी, अब आपको डरा रहे हैं कि तुम्हारा भी यही हाल कर देंगे, सतेंद्र वाला हाल कर देंगे, तुम्हारा मनीष वाला हाल कर देंगे, डरा के ये दिल्ली में आम आदमी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन हमने कुछ गलत कर ही नहीं रखा तो हम सीबीआई और ईडी से क्यों डरे, हम कहते हैं कर लो, हमें जेल जाने से डर नहीं, सारे इनमें आधे से ज्यादा तो जेल जा चुके, तो कर लो जो करना कर लो, हमारे को क्या फर्क पड़ता है। अभी तक 277 एमएलए खरीद चुके हैं ये लोग, 277 एमएलए पिछले कुछ सालों के अंदर ये लोग खरीद चुके हैं। दिल्ली में अभी रेट 20 करोड़ का था, महाराष्ट्र में सुनते थे 50 करोड़ है, दिल्ली वालों को पता नहीं क्यों,
दिल्ली में कह रहे हैं, पर मान लो 20 भी मान लो, 20 करोड़ के हिसाब से खरीदा तो 277 एमएलए के लिए इन्होंने 5,500 करोड़ रुपए खर्च किए, और दिल्ली के लिए 800 करोड़ रख रहे हैं, तो 6300 करोड़ रुपए इन्होंने ऑपरेशन लोटस में खर्च किए। ये पैसा कहां से आया, ये पैसा किसका है? 6300 करोड़ रुपए खर्च कर दिए इन लोगों ने एमएलए खरीदने में, ये किसका पैसा है? इसका मैं आज खुलासा करना चाहता हूं। आज देश का हर आदमी महंगाई से बड़ा परेशान है। 2014 में डीजल का दाम था 54 रुपए, अब हो गया 90 रुपए। पेट्रोल का दाम था 2014 में 60 रुपए, अब हो गया 110 रुपए। सीएनजी 37 रुपए थी, 75 रुपए पहुंच गई। एलपीजी 410 रुपए की थी, 1,053 रुपए का एक सिलेंडर हो गया। वनस्पति ऑयल 70 रुपए का था, 170 रुपए हो गया। और नमक 7 रुपए का था, 15 रुपए हो गया। हर चीज के दाम बढ़ गए, डबल ट्रिपल हो गए। एक आम आदमी बेचारा, तनख्वाह बढ़ी नहीं है, घर कैसे चलाए, चलाए तो कैसे चलाए वो। ये जितनी जीएसटी, ये जितना महंगाई हो रही है, इतना जीएसटी लगा दिया इन लोगों ने, ये सारा पैसा कहां जा रहा है? ये सारा पैसा दो चीजों में जा रहा है, एक अपने अरबपति दोस्तों के कर्जे माफ करते हैं, और दूसरे ये एमएलए खरीदते हैं। इन दो चीजों में जा रहा है। महाराष्ट्र की सरकार गिरानी थी तो छाछ पे जीएसटी लगा दी, दही पे जीएसटी लगा दी, शहद पे जीएसटी लगा दी, गेहूं पे जीएसटी लगा दी, चावल पे जीएसटी लगा दी। अगर अपने एक दोस्त का कर्जा माफ करना होता है, पेट्रोल के दाम बढ़ा देते हैं। दूसरे के दोस्त का कर्जा माफ करना होता है, डीजल के दाम बढ़ा देते हैं। अगर गोवा की सरकार गिरानी होती है, यहां पे जीएसटी बढ़ा देते हैं। जितना पैसा जीएसटी और महंगाई की वजह से हो रहा है, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, डीजल का दाम बढ़ रहा है, इसका अधिकांश पैसा केवल और केवल अरबपति दोस्तों के कर्जे माफ करने में और ये एमएलए खरीदने के अंदर जा रहा है। अब ये कह रहे हैं झारखंड की सरकार गिरने वाली है, देख लेना। शर्तिया तौर पे मैं कह रहा हूं, अगले 10 दिन के अंदर कहीं ना कहीं जीएसटी या पेट्रोल या डीजल के दाम ना बढ़ जाए तो बढ़ेंगे, और वो सारा पैसा जो है वो एमएलए खरीदने के लिए जाएगा इनका झारखंड। आज मैं देश की जनता से कहना चाहता हूं, हमारे देश की जनता जरूरत पड़े तो देश के लिए बलिदान करने को तैयार है। आज मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या आप इस तरह से इनके अरबपति दोस्तों के लिए इस तरह से पैसा लुटाते रहोगे? क्या आप एमएलए खरीदने के लिए अपने बच्चों के पेट काटते रहोगे? आज अगर हमारी सेना को पैसे की जरूरत पड़े, हमारे देश के लोग एक टाइम की रोटी नहीं खाएंगे, सेना के लिए कुछ भी कर देंगे, लेकिन क्या इनके अरबपति दोस्तों के लिए हम ये करने के तैयार हैं? आज एक तरह से कई लोगों को मैं जानता हूं, कई परिवार ऐसे हैं, पहले 1.5 किलो दूध लिया करते थे दिन का, अब वो कम करके 1 किलो कर दिया जब से ये महंगाई हो रही है, जब से ये जीएसटी लगा है। कई परिवार ऐसे हैं जिन्होंने एक टाइम की सब्जी लेनी बंद कर दी, अब नमक से रोटी खा लेते हैं। तो एक तरह से गरीब का खून चूस के, और वो पैसा ये अरबपति दोस्तों को दे रहे हैं, गरीब का खून चूस के इस देश के अंदर एक आदमी की सत्ता की हवस को पूरा करने के लिए सारा का सारा पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या देश के लोगों को यह मंजूर है? हम भारत को नंबर वन देश बनाना चाहते हैं, हमारा मकसद है, हमारा सपना है, पूरे देश के लोगों का सपना है कि भारत दुनिया का नंबर वन देश बनना चाहिए। भारत दुनिया का नंबर वन देश कैसे बनेगा? जब हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी, सब बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, स्कूल खोलने पड़ेंगे, अस्पताल बनाने पड़ेंगे, सड़कें बनानी पड़ेंगी, ये सारा काम करना पड़ेगा। लेकिन जितने लोग काम कर रहे हैं इस देश के अंदर, उन सारे लोगों को अगर आप काम नहीं करने दोगे, उनको रोकोगे, उनके पीछे सीबीआई ईडी छोड़ दोगे, तो फिर देश आगे कैसे बढ़ेगा? आपने इनके, ये इतनी पीसी करते हैं, आपने देखा होगा कि कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इनकी काम से रिलेटेड होती है, सारी पॉलिटिकल गाली गलौज इसके खिलाफ उसके खिलाफ। और हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लो, 90% हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है काम से रिलेटेड होती है, स्कूल बना दिया जी, अस्पताल बना दीजिए, अब इतने मोहल्ले क्लिनिक खोल दीजिए, अभी ये काम कर दीजिए, हम केवल काम के ऊपर करते हैं, ये केवल और केवल शुद्ध राजनीति करते हैं। ये जैसे अभी मैं देख रहा, कुछ कहते हैं कि इनके स्कूल बड़े खराब हैं, चलो हमारे खराब है, तुम अपने दिखा दो, तुम तो दिखाओ। आज वो आसाम के चीफ मिनिस्टर ने लिखा कि कुछ, मैंने कहा ठीक है जी मैं आ जाता हूँ आसाम में, एक जवाब ही नहीं दे रहा वो। मैंने कहा जी मैं आ जाता हूँ, आपसे सीख लेते हैं हम, अगर आपने कोई अच्छा काम कराया आसाम के ऊपर, हमारे को तो कोई ईगो नहीं है, हम सीख लेते हैं आपसे, आप हमसे सीखो, हम आपसे सीखेंगे, तभी तो देश तरक्की करेगा। ये कहते हैं हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, जितने भ्रष्टाचारी हैं उनके खिलाफ कर रहे हैं।
ये लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई एक आदमी के स्वार्थ की लड़ाई है, एक आदमी की सत्ता की हवस की लड़ाई है। 15 अगस्त को लाल किले पे खड़े होकर उन्होंने कहा पूरे देश को कि मैं भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहा हूं, देशवासियों मुझे आपका साथ चाहिए। साहब अगर आप भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ते तो आपको देशवासियों का साथ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब आप जानते हैं कि देश आपके साथ नहीं है, आप ये जो नौटंकी कर रहे हो इसका मतलब देश आपके साथ नहीं है, आपको मांगना पड़ रहा है। दिल्ली में मैंने भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ी, मैंने तो कभी नहीं कहा दिल्ली वासी खुद ही मेरे साथ हो रहे हैं। मैंने तो नहीं कहा दिल्ली वासियों मेरे को आपका साथ चाहिए। अभी कोई कल बता रहा था, एक ऑफिस में बैठा था, सरकारी ऑफिस में दिल्ली में, हमारा कोई वॉलंटियर बोला वहां पे अंदर अफसर काफी लेट कर रहा था, 1 घंटे से बिठा रखा था, तो वो आपस में बात कर रहे थे, 2-4 लोग बैठे थे, कहते इसको पता नहीं है अफसर को, अभी केजरीवाल को मैंने ट्वीट कर दिया ना इसकी नाक में दम कर देगा। जनता को भरोसा है, हमें साथ मांगने की जरूरत नहीं पड़ रही। पंजाब के अंदर अभी हमने जिस तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ वार छेड़ा हुआ है, भगवंत मान ने तो कभी नहीं कहा मेरे को आपका साथ चाहिए। आपको पता है आपके साथ देश की जनता नहीं है, इस गंदगी में देश की जनता देख रही है कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ रहे, आप अपने स्वार्थ की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप अपनी सत्ता की हवस की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं आज आपको 5 मुद्दे देता हूं, अगर आपकी लड़ाई भ्रष्टाचार की लड़ाई है इन 5 में से एक के ऊपर आप जांच करा के दिखा दो मैं मान जाऊंगा। गुजरात में जाता हूं आजकल, गुजरात में इतने पेपर लीक होते हैं और सारे इनके आदमी कराते हैं। जनता तंग आ चुकी है, बच्चे तंग आ चुके हैं, सुइसाइड कर रहे हैं, पेपर रोज लीक हो रहे हैं और इनके लोग करा रहे हैं। एक भी आदमी पेपर लीक के मामले में जेल नहीं गया। मैं चैलेंज करता हूं एक आदमी को दिसंबर के चुनाव के पहले आप जेल भिजवा के दिखा दो अगर हिम्मत है तो। लड़ाई आपकी भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है, भ्रष्टाचार का तो आप बेनिफिशरी हैं। इतना नशा गुजरात के अंदर बिक रहा है, बताते हैं इनके दोस्त का एक पोर्ट है, वहां पे कम से कम 10,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी जा चुकी होंगी। हिम्मत है तो सीबीआई ईडी वहां भी करके दिखा दो। हैं 22,000 करोड़ बता रहे हैं, 22,000 करोड़ रुपए का नशा पकड़ा जा चुका, कोई सीबीआई नहीं है। 22,000 करोड़ रुपए की इनके दोस्त के यहां नशा पकड़ा गया, कोई सीबीआई नहीं, कोई ईडी नहीं, चोर यही नजर आता है इनको। मैं इनको चैलेंज करता हूं जहरीली शराब से अभी 50 से ज्यादा आदमी मर गए जहरीली शराब से, इनके आदमी जहरीली शराब बेचते हैं गुजरात के अंदर। मैं चैलेंज करता हूं एक आदमी के खिलाफ सीबीआई ईडी करके दिखा, नहीं करेंगे। अभी साहब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने गए, प्रधानमंत्री बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने गए, उद्घाटन करने के 5 दिन के बाद वो धस गया। इससे बड़ी बेइज्जती नहीं हो सकती देश की, इससे बड़ी बेइज्जती देश की नहीं हो सकती। मेरे यहां अगर कोई होता ना दिल्ली में ऐसी तैसी कर देता मैं उसको, और इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया उसके खिलाफ, सीबीआईडी नहीं बता रहे उसको, 2 और 4 ठेके और दे दिए, बड़ा शाबाश बहुत अच्छा काम किया उसको, 4 ठेके बता रहे और दे दिए। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे धस गया, उसकी कोई सीबीआईडी नहीं है। 10 लाख करोड़ रुपए के कर्जे जिनके माफ करे, 10 लाख करोड़ रुपए के अपने अरबपति दोस्तों के इन्होंने कर्जे माफ कर दिए, उसमें कई लोगों ने बीजेपी को चेक में डोनेशन दे रखी है। इससे बड़ा सबूत रिश्वत का हो सकता है? भाई तुमने उससे डोनेशन ली और डोनेशन लेके उसके कर्जे माफ कर दिए, इससे बड़ा रिश्वत का सबूत क्या होगा? हिम्मत है तो जरा सीबीआईडी, 5 केस दे दिए मैंने आज, कहोगे तो और 50 और दे देंगे। तो लड़ाई भ्रष्टाचार की नहीं है, लड़ाई स्वार्थ की है, लड़ाई सत्ता हथियाने की है, जनता को तंग करने की है। पिछले कुछ दिनों से ये चल रहा है कि इन्होंने इतने एमएलए तोड़ लिए। मेरे पास कई फोन भी आ रहे हैं लोगों के कि जी सब ठीक है ना, 2-4 कितने गए, बहुत फोन आ रहे हैं मेरे पास। तो अध्यक्ष महोदया, मैं इस सदन के अंदर कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहता हूं दिल्ली की जनता को दिखाने के लिए
कि उन्होंने जिन लोगों को चुना है वो एक एक हीरा है, ये मर जाएंगे कट जाएंगे लेकिन ये टूटने वाले नहीं है, एक भी आदमी नहीं टूटा। कॉन्फिडेंस मोशन इस सदन के अंदर लाना चाहता हूं ताकि जनता के सामने ये साबित हो जाए कि बीजेपी का ऑपरेशन लोटस दिल्ली में आके ऑपरेशन कीचड़ बन गया। बहुत बहुत शुक्रिया।